कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद यहां से चुनाव लड़ने के अपने फैसले की एक वजह दक्षिण भारत के साथ खड़े होने का संदेश देना बताया। इस संदेश को सही तरह ग्रहण करना आसान नहीं। क्या राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि अब देश के अलग अलग हिस्सों के साथ खड़ा होना दिखने के लिए वहां से चुनाव लड़ना आवश्यक है? सवाल यह भी है कि वह अमेठी के जरिए दक्षिण भारत के साथ खड़े होने का संदेश क्यों नहीं दे सकते थे? समझना कठिन है कि वह उत्तर दक्षिण की खाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं या फिर उसे पाटने का। वायनाड से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने यह भी बयान किया कि वह माकपा के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे, एक शब्द भी नहीं। आखिर ऐसा कहकर वह अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो जब तब माकपा कार्यकर्ताओं के हिंसक व्यवहार का सामना करते रहते हैं? क्या राहुल गांधी यह कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को माकपा के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार के कामकाज से कोई शिकायत नहीं? अगर राहुल गांधी के मन में माकपा के प्रति इतना ही मैत्री भाव उमड़ आया है तो फिर कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्या वह पश्चिम बंगाल में भी माकपा और अन्य वाम दलों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे? क्या इसकी अनदेखी कर दी जाए कि वायनाड का चुनावी इतिहास यह कह रहा है कि लोकसभा चुनावों में यहाँ कांग्रेस की टक्कर माकपा से ही होती रही है? जैसे इन सवालों का कोई जवाब नहीं नज़र आता, वैसे ही इस सवाल का भी नहीं कि अगर अमेठी से बार बार चुनाव लड़ने से उत्तर भारत में कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकी तो फिर वायनाड से चुनाव लड़कर दक्षिण भारत में पार्टी को कैसे मजबूती दी जा सकती है? इस तरह के सवाल अमेठी और साथ ही उत्तर भारत के कांग्रेस के समर्थकों को भ्रमित करने का काम करें तो हैरत नहीं। यह समझ आता है कि अमेठी में चुनौती कठिन होती देखकर राहुल गांधी ने अपने लिए एक सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की तलाश में वायनाड का चयन किया हो, लेकिन उन्हें यह आभास होना चाहिए कि यहां उन्हें कांग्रेस के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन के भरोसे रहना होगा। आखिर ऐसे दल के समर्थन से चुनाव लड़कर वह कांग्रेस के सेकुलर होने के दावे को मजबूती कैसे दे सकते हैं? निसंदेह यह पहली बार नहीं जब किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने दक्षिण भारत से चुनाव लड़ा हो। इसके पहले इंदिरा गांधी चिकमगलूर और सोनिया गांधी बेल्लारी से चुनाव लड़ चुकी हैं। राहुल गांधी इनमें से किसी सीट का चयन कर सकते थे। कर्नाटक की सत्ता में तो कांग्रेस साझीदार भी है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले का मूल कारण जानना एक पहेली ही है। कहना कठिन है कि वायनाड के जरिए कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को एक पहेली का जो रूप दिया उससे क्या हासिल होगा। केंद्र और राज्य सरकार साधनहीन मरीजों की निःशुल्क
और बढ़िया चिकित्सा के लिए प्रयास कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को श्रेष्ठ अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कराने का भी प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद चिकित्सा तंत्र की संवेदनहीनता एवं अपसंस्कृति के कारण ज़रूरतमंद मरीजों को सरकार की मंशा के अनुरूप इलाज नहीं मिल पा रहा है। KGMU अंतर्राष्ट्रीय स्तर का की चिकित्सा सुविधाओं से लैस देश के श्रेष्ठतम चिकित्सा संस्थानों में शामिल है। इस चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम पूरी दुनिया में रोशन है। इसके बावजूद वहां बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। सरकार ने कैंसर मरीजों के लिए निःशुल्क दवाओं का इंतजाम कर रखा है। इसके अलावा सरकारी और अर्ध सरकारी अस्पतालों में कई अन्य दवाएं निःशुल्क वितरित किए जाने का प्रावधान है, पर अक्सर यह व्यवस्था दम तोड़ती दिखती है। KGMU में मरीजों को कैंसर की दवाएं निजी दुकानों से खरीदनी पड़ रही हैं। KGMU के बाहर बड़ा दवा बाजार विकसित हो चुका है, जहां दवा खरीदते मरीजों और उनके तीमारदारों की भीड़ खुद बता देती है कि अस्पताल में निःशुल्क दवा वितरण का क्या हाल है। प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान होने के नाते KGMU एक कसौटी है, जिस पर प्रदेश के अन्य अस्पतालों का हाल परखा जा सकता है। दवाओं के अलावा स्ट्रेचर, सर्जिकल सामग्री, OT सामग्री, पेयजल, रैन बसेरा आदि का अभाव सरकारी अस्पतालों में आम बात है। ऐसा नहीं है कि यह नौबत संसाधनों की कमी के चलते है, वास्तविक संकट कार्य संस्कृति से जुड़ा है। सरकार ने संसाधन लगाकर सुविधाएं तो खड़ी कर दी, पर डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की कार्य संस्कृति नहीं बदली जा सकी। मरीजों और तीमारदारों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार, उन्हें इधर उधर दौड़ाना, अपमानित और प्रताड़ित करना, अस्पताल में उपलब्ध होते हुए भी बाहर से दवाएं और चिकित्सा सामग्री मंगवाना आदि ऐसी बुरी आदतें हैं जिन्होंने सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की शक्ल बिगाड़ रखी है। सरकार को देखना चाहिए कि यह परिदृश्य कैसे बदलेगा। ज़रूरत महसूस हो तो पैरा मेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण कराया जा सकता है, ताकि उन्हें पेशेवर ढंग से अपने कर्तव्य को अंजाम देना सिखाया जा सके। इस दिशा में अविलंब कदम उठाए जाने चाहिए।